व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, ये आरके कुकिंग चैनल और मैं हूँ अमना फाहशी। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे पास नमक है, जो मैंने हाफ टी स्पून लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा धनिया लिया है, 1 टीस्पून भर के मेरे पास पिसी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून भर के मेरे पास हल्दी है। इसी तरह 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये हमारे पास 2-3 दरमियान साइज़ की प्याज है, जो इसे मैंने रफली कटिंग कर लिया है। और ये हमारे पास 1/2 किलो से कुछ कम कीमा है, जो कि मैंने बीफ का घर में मशीन से निकाला है। आप चाहें तो मोटा कीमा बाज़ार का ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह का कीमा पसंद करते हैं, बारीक या मोटा। और आलू मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट डालिए। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा लहसुन अदरक को प्याज को फ्राई करके इसको कलर देंगे। देखें प्याज में हल्का कलर आ गया है और ये हल्की हल्की सौते हो गई है। बस अब इसी स्टेज में हम इसके अंदर अपने तमाम स्पाइस ऐड करेंगे। और हल्का सा भूनेंगे। और साथ ही इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा भुनाई इसकी कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें दही दही मैंने आपको अभी पहले बताया नहीं था, अब मैं उसको बीट करूंगी पहले, क्योंकि मैंने बीट नहीं किया हुआ था। पीट करके वो इसमें ऐड करके पानी का छींटा देके तो हम इसे दम पे रखेंगे गलने के लिए। अब इसी स्टेज पर हम इसके अंदर दही डालेंगे और थोड़ा सा हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हम बस हाफ कप हमने गलने के लिए इसमें पानी डालना है। इसको करना है मिक्स और इसको रख देंगे हम दम पर। लगा है अब हम इसका जो इसका लिड है वो लगाकर इसको दम पे रख देंगे। तो जैसे कीमा गलता है हम इसको भूनते हैं, तो मिलते हैं 15-20 मिनट में। देखिए कीमा हमारा अच्छा सा भून चुका है और इसका ऑयल भी जो है ऊपर आ चुका है, किनारे छोड़ चुका है। बस अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे आलू, जो हमने बॉईल करके पहले ही रखे थे। और हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, नॉर्मल गरम मसाला, लेकिन वो डिश में निकालते हुए, ताकि इसके ऊपर खुशबू और जायका आए। तो बस आलू डाल के 5 से 10 मिनट इसको और दम दे दें और फिर डिश आउट करते हैं। देखिए मज़ेदार सा यमी सा आलू कीमा गर्मा गर्म रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च और अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ सर्व करें, आप ही बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।